हियर आर सम स्ट्रेटजीज फॉर बिल्डिंग लव फॉर वंस ओन सेल्फ। अगर आपको अपने प्रति प्रेम जागृत करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज दी हुई हैं। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम शुड हैव। अब शुड हैव ये क्या है? तो ये होना चाहिए था पर हुआ नहीं, ऐसा करना चाहिए मुझे पर मैंने किया नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए था, करना चाहिए था पर हुआ नहीं। तो मतलब एक रिपेंट नेस की भावना, यानी कि पछतावे की भावना, ये सब चीज़ आपको छोड़ देनी है, अपने मन से ये निकाल दीजिए, आप फ्री हो जाइए शुड हैव से, कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, लिव योर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इज़ पॉसिबल फॉर यू। अब जो भी आपके लिए संभव है उस बेस पर, उस आधार पर आप अपना अपनी लाइफ जिएंगे। ठीक है, आपको अपनी लाइफ जीनी है किस आधार पर, तो जो भी आपके लिए पॉसिबल है उस आधार पर, ये नहीं कि भाई जो पॉसिबल नहीं है बस उसको भी आप सोच सोच कर दुखी होते जा रहे हैं। नहीं, आपको पहचानना है कि आपके लिए पॉसिबल क्या है, उस आधार पर आपको अपनी लाइफ जीनी है, एंड व्हाट फील्स राइट टू यू, और किस आधार पर जीना है, तो जो भी आपको सही लगे, व्हाट फील्स राइट टू यू, जो आपको सही लगे उस आधार पर आपको अपनी लाइफ जीनी है, इंस्टेड ऑफ व्हाट यू और अदर्स थिंक यू शुड डू। इस आधार पर नहीं, इंस्टेड ऑफ का मतलब के बदले, इस आधार पर नहीं कि आप या कोई दूसरे क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए था। ठीक है, क्या करना चाहिए था कोई दूसरा आपको बताए या आप, इससे अच्छा आप ये देखिए कि आपको सही क्या लगता है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट फील्स राइट टू यू, और आपके लिए संभव क्या है, उस आधार पर आपको लाइफ जीनी है। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट यू वांट, आप ढूंढिए आपको क्या चाहिए, एंड व्हाट यू आर गुड एट, और आप किस में कुशल हैं, किस काम में योग्य हैं, गुड एट। ठीक है, जैसे कोई खेल कूद में योग्य होता है, कोई क्रिकेट खेलता है बहुत अच्छा, कोई खाना बहुत अच्छा बना लेता है, मतलब कोई पेंटिंग अच्छी कर लेता है, कोई लिखता अच्छा है, कोई इस तरह से, तो आप किस में कुशल हैं, गुड एट किस में हैं आप। रिस्पेक्ट योर ओन नीड्स, आप अपनी ज़रूरतों की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी आवश्यकताओं की रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्टिंग योर डीपर नीड्स विल इंक्रीज योर सेंस ऑफ वर्थ एंड वेल बीइंग। अगर आप अपनी डीपर मतलब सच की गह मतलब जो वास्तविक नीड्स हैं आपकी, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से इंक्रीज होगा योर सेंस ऑफ वर्थ, आप को अपने मूल्यों का पता चलेगा, आपकी कीमत कितनी है, आपका मूल्य कितना है आपको पता चलेगा, एंड वेल बीइंग, और आपकी आप अपने एक्चुअली स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे, आप अच्छे रहें, आप खुश रहें तन से मन से, उसके प्रति आपका सेंस, आपकी समझ बनेगी। ठीक है, सेट अचीवेबल गोल्स। अब ऐसे गोल सेट कीजिए, ऐसे लक्ष्य बनाइए जो कि अचीवेबल हो, जिन्हें आप पा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे सूरज पर चढ़ाई करनी है, तो भाई ये जो गोल है आपने सेट कर लिया पर ये अचीवेबल नहीं है, यहाँ तक कि किसी के लिए भी अचीवेबल नहीं है, तो ऐसी चीज़ ना सोचें जो पॉसिबल ही नहीं है या अचीवेबल ही नहीं है। एस्टैब्लिश गोल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू कैन रियलिस्टिकली अचीव, जो आप वास्तविक रूप से अचीव कर सकते हैं उसके आधार पर आप अपने गोल एस्टैब्लिश कीजिए, आप अपने उद्देश्य अपने लक्ष्य बनाइए, एंड देन वर्क, और उस पर काम कीजिए स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक करके, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप उस पर काम कीजिए, टू डेवलप योर स्ट्रेंथ, ताकि आपकी अपनी ताकत डेवलप हो, शक्ति विकसित हो। टॉक टू योर सेल्फ पॉजिटिवली, अपने आप से कभी भी अगर आप बात करें तो पॉजिटिवली बात करें, सकारात्मक ढंग से बात करें। व्हेन यू नोटिस दैट यू आर डाउटिंग और जजिंग योर सेल्फ, जब भी आप नोटिस करें कि आप अपने ऊपर ही शक कर रहे हैं, या तो अपने आप को जज कर रहे हैं, सही गलत ठहरा रहे हैं, जज करना मतलब सही या गलत ठहरा रहे हैं, रिप्लेस सच थाट्स विद सेल्फ सपोर्टिव डायरेक्शन। तो ऐसे थाट्स को, ऐसी सोच को रिप्लेस कर दीजिए, बदल दीजिए किस से, विद सेल्फ सपोर्टिव डायरेक्शन, मतलब अपने आप को आप सपोर्ट कीजिए, ऐसी दिशा में ले जाइए कि आपको सपोर्ट मिले।